ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। 23 अप्रैल की शाम एक ही इलाके के कई परिवारों पर कहर बनकर टूटी। यहां आग ने ऐसी तबाही मचाई कि 100 घर स्वाह हो गए थे, सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे, बचे खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हो गए। आमतौर पर ऐसे हालात में लोग सरकार और प्रशासन का मुंह ताकते हैं, लेकिन यहां कुछ अलग हुआ। प्रशासन के जागने का लोगों ने इंतजार नहीं किया और कुछ ऐसा किया कि पीड़ित लोगों के आंसू तो पहुंचे ही, साथ ही जीवन की नई रोशनी भी उनको दिखा दी। जरा ये रिपोर्ट भी देखिए। अपनी मेहनत की गाड़ी कमाई से एक एक पैसा जोड़कर जिन लोगों ने अपने बच्चों के लिए इस आशियाने को बनाया था, देख रहे हैं आप कि किस तरह से हवा के एक झोंके ने और आग की लपटों ने पूरे इस गांव को लील लिया और कुछ ही देर में पूरा गांव जो है वो आग की भेंट चढ़ गया। और आज इस गांव में रहने वाले लोग खाने पीने के लिए भी मोहताज हैं। बीकानेर जिले के कोलायत तहसील के भलूरी गांव में 40 परिवारों के आशियाने आग की भेंट चढ़ गए और उसमें रखा सामान राख के ढेर में तब्दील हो गया। इस आगजनी में 100 घर जलकर राख हो गए। 40 परिवारों के करीब 200 लोगों का जीवन पूरे तरीके से बर्बाद हो गया। आग में नष्ट हुए घर के परिवार वालों के जीवन को संकट से उबारने के लिए जिला प्रशासन ने पीड़ित परिवारों को 98,900 रूपए प्रति परिवार के हिसाब से कुल 39,56,000 रूपए आर्थिक सहायता के चेक प्रदान किए। लेकिन यहाँ पर कोई और भी था जिन्होंने इस दुख की घड़ी में अपना हाथ बढ़ाते हुए अपना प्रथम धर्म निभाया। जी हाँ, सूचना मिलते ही जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं और दान दाताओं ने संकट की घड़ी में आग पीड़ितों के कंधे से कंधा मिलाकर संवेदनशीलता और अपनत्व की जो नजीर पेश की वो वाकई अविस्मरणीय है, अद्भुत है। पूरे क्षेत्र के लोगों ने घटना के बाद से पीड़ित परिवारों के प्रति मानवीय संवेदना दिखाई। आगजनी की घटना के बाद से पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भलूरी गांव में ही डेरा डाले हुए, पूरा राहत कार्य अपनी देखरेख में ही करवा रहे। आग की घटना लगने के बाद से भलूरी गांव में डटे पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी इन ग्रामीणों की हर संभव मदद करने के लिए आए हुए हैं। हम बात करते हैं उन्हीं से कि किस तरह से ये जो है पूरा रेस्क्यू जो ऑपरेशन चला रहे हैं और किस तरह की मदद लोगों को कर पा रहे हैं। जी भाई साहब, 3 दिन से आप इस गांव में डटे हुए हैं, क्या कितना पहले तो नुकसान कितना हुआ और किस तरह की राहत अब ग्रामीणों को दी जा रही है? देखिए, इस भलूरी गांव में आधे से ज़्यादा लोग पाक विस्थापित हैं और इनकी आर्थिक स्थिति भी इतनी सुदृढ़ नहीं है। इसके कारण से इनके ज़्यादातर झोंपड़े और छपरे कच्चे मकान हैं। ये तो अच्छा हुआ कि दिन में आग लगी है, अगर रात्रि को लग जाती तो पूरा गांव स्वाह हो जाता। और उसी समय जैसे ही सूचना मिली तो उसके बावजूद भी आग बुझाते बुझाते 40 परिवारों के करीबन 175 झोंपड़े छपरों को आग लग के स्वाह हो गए। पूर्व मंत्री देव सिंह भाटी ने बताया कि अभी तक 50 लाख रुपए नगद के साथ करीब 30 लाख रुपए का भवन निर्माण का सामान जैसे ईंट, बजरी, सीमेंट इस तरह व्यवस्था करवाई गई है। उन्होंने बताया कि इसके अलावा खाद्य सामग्री की व्यवस्था भी जन सहयोग से की गई है। अभी तक मकान बनने के काम में 20 लाख की लागत से 3 फीट तक का निर्माण किया गया है। उन्होंने 40 दिन की कार्य योजना बनाकर आग पीड़ितों को पक्के मकान बनाने का काम हाथ में लिया है, जिसमें प्रत्येक परिवार के लिए 9x15 फीट का एक पक्का कमरा, एक छप्पर के अलावा 3 शेड की रसोई का निर्माण करवाया जाएगा। जिस प्रकार से धनराशि भी नकद में आई है और सामग्री भी आई है, ईंट, बजरी, सीमेंट सब अलग अलग सहयोग दिया सबने, तो उसमें हमने तय किया है कि एक तो 9x15 का पक्का कमरा बना के हम उसमें लाइट पंखा लगा के उसको सुपुर्द करेंगे। एक हमने झोंपड़ा या छपरे की व्यवस्था और एक टीन शेड से एक इस प्रकार की व्यवस्था हो जाए जिसमें रसोई भी कर ले, रिस्टोर भी बन जाए। तो ये हमारा प्रयास है जिससे वो अपने आप को अकेला न महसूस करे। वही जानकारी मिलते ही आसपास के गांव के लोग सहायता के लिए दौड़ आए। बज्जू व्यापार उद्योग मंडल, सीमाचल कल्याण परिषद, मनोहर भादु, पूर्व सरपंच चारणवाला ने प्रभावित ग्रामीणों को जरूरत की वस्तुएं जिसमें खाद्य सामग्री, बर्तन, ओढ़ने बिछाने के कपड़े दिए हैं। तो वहीं जिला उद्योग संघ, SBBJ बैंक और कई अन्य संस्थाएं भी सहयोग का हाथ आगे बढ़ाने को तैयार हो गई।
लेकिन प्रशासन चेक बांट कर इतिश्री करती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि कई संस्थाओं ने अपना सामाजिक सरोकार निभाते हुए अपना फर्ज निभाया है तो कई हाथ मिलाकर विशाल बन गए हैं और हम लोगों के लिए मिसाल बन गए, लेकिन प्रशासन तो अभी तक आग लगने के कारण भी नहीं ढूंढ पाया और इस तरह के हाथ से आगे ना हो इसे लेकर भी गंभीर होता नजर नहीं आ रहा। जब हम इस गांव में आए तो हमने आग से जले हुए उन मकानों का विध्वंस रूप देखा, लेकिन सलाम है उन समाज सेवी लोगों को जिन्होंने आगे आकर इन लोगों की मदद की, उस आंख में आंसू को पोंछने का काम किया जिस आंख में आंसू और दर्द साफ देखा जा सकता है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए भलूरी गांव से विक्रम जागरवाल। बीकानेर से विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विक्रम, जैसा कि आपने बताया कि कई सामाजिक संस्थाएं यहां पर आगे आई, कई यहां पर फाउंडेशन थे, बैंक थे, यही नहीं आम लोगों ने भी पीड़ितों की मदद की। फिलहाल अब तक यहां पर कितना योगदान दिया जा चुका है? लगभग 40 लाख यहां पर जिला प्रशासन की तरफ से जरूर दिए गए हैं, वहां पर खुद पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी भी मौजूद है। फिलहाल अब तक पीड़ितों के लिए कितनी मदद की जा चुकी है? निश्चित रूप से सरकार की मदद जो है वो तो अपनी जगह है, उसके अलावा जो सामाजिक संस्थाएं हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हर संभव मदद इन ग्रामीणों की है। साथ ही जो देवी सिंह भाटी है जो इस क्षेत्र में लंबे समय से राजनेता के रूप में रहे हैं और वो मंत्री पद पर भी रहे हैं, उन्होंने एक संकल्प इस आग को देखते हुए लिया और 40 दिन की एक कार्य योजना बनाकर उन्होंने जो मकान बनाने का निर्णय लिया है उसे भी अलग तरीके से देखा जा सकता है कि वो जब पिछले 40 दिनों से जब से आग लगी उन्होंने ये संकल्प लिया हुआ है कि वो जब तक उस गांव से नहीं हटेंगे, जब तक उन लोगों के मकान पूरी तरह से नहीं बन जाते हैं, और देवी सिंह भाटी के आह्वान पर ही चाहे ईट भट्टा एसोसिएशन हो चाहे बद्री खनन के लोग हों, उन सब ने सहयोग किया और आज जो ग्रामीणों के मकान है वो नए बन रहे हैं और उन्हें जिन लोगों के पास जो एकदम कच्चे मकान थे उन्हें अब पक्के मकान देवी सिंह भाटी की तरफ से दिए जा रहे हैं और उसके साथ साथ जो दूसरी संस्थाएं हैं उन्होंने भी इनके खाने की और पहनने की और जितने भी जो व्यवस्थाएं हैं उसे भी अच्छे रूप से किया है। हालांकि प्रशासन की जो व्यवस्थाएं हैं वो अपने तरीके की होती है क्योंकि जो एक सरकारी सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं सारी चीजों के लिए पूरी रिपोर्टिंग होती है और उसके बाद उनको मुआवजे की बात आती है, लेकिन जिस तरह से जो जन सहयोग आता है वो तुरंत उन लोगों के काम आया और उससे आज जो ग्रामीण हैं वो आराम से अपना जीवन बिता सके, इतनी सारी व्यवस्थाएं। बिल्कुल विक्रम, आपसे सहयोगी से कहा जाएगा जो कि अनूठी मिसाल के सामने हमारे सामने यहाँ पर पेश हुआ है। लेकिन एक कार्य योजना की बात खुद पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने यहाँ पर कही थी, लगातार कई दिनों तक वो यहाँ पर डेरा भी जमाए हुए थे, क्या अभी भी वो वहां पर मौजूद है या फिर लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं? पीड़ितों की पुकार यहाँ पर सुनी जा रही है और आपसी सहयोग जो है वो अभी भी देखने को मिल रहा है। दूसरी तरफ अगर हम आग के कारणों की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ पर गर्मी की वजह से आग जो है छप्पर पोश मकानों में लग जाती है, अब इस तरीके की घटनाएं ना हो, क्या इसे देखकर भी अब मकान का जो निर्माण किया जा रहा है इसे देखकर भी ध्यान में लिया जा रहा है? बिल्कुल, जो पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी हैं वो जब से आग लगने के बाद जब वो गांव में आए थे तब से वहीं पे डटे हुए हैं और वो वहीं पे स्टे कर रहे हैं कि जब तक उन्होंने ये कहा है कि जब तक मकान पूरे नहीं बन जाएंगे तब तक वो वहीं रहेंगे और आज भी देवी सिंह भाटी वहीं डटे हुए हैं और उन्होंने जो ये मकान जो 9x15 के जो रूम बनाने की बात कही है उसमें इन सब चीजों का ही ध्यान रखा गया है कि किसी भी तरह से कोई आग में उनका नुकसान नहीं हो। तो जो ऊपर छत पे जो बनाया जाता है उस पर भी उन्होंने टीन शेड का यूज किया है ताकि आग ना लग पाए घरों में और लोगों को जो सामान वगैरह की जो जल जाता है उससे बचाव मिले और उनको पक्के पंचायत समिति की तरफ से जो पक्के टॉयलेट्स उनके लिए बनाए जा रहे हैं, पानी की एक टंकी वहाँ बनाई जा रही है, जो प्रधान वहाँ के हैं जयवीर गोदारा उनसे आज ही हमारी बात हुई थी। बिल्कुल विक्रम, मैं आपको रोकना चाहूंगी, आपने जिक्र किया जयवीर सिंह भाटी का, वो हमारे साथ खुद जुड़ गए हैं, कुलायत पंचायत समिति के प्रधान हैं। जयवीर सिंह जी, स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। थैंक यू मैडम। एक अनूठी मिसाल कही जाएगी, आपसी सहयोग यहाँ पर देखने को मिल रहा है भलूरी गांव में, पीड़ितों की मदद की जा रही है, फिलहाल अब तक कितना सहयोग पीड़ितों को दिया जा चुका है, कितनी मदद की जा चुकी है पीड़ितों के लिए? मैडम 40 लाख से ज्यादा लोगों ने पैसे दिए हैं, नगद दिए हैं और देवी सिंह भाटी वहाँ लगातार वहीं बैठे हुए हैं। 40 से मकान ज्यादा 8 फीट से ज्यादा बन के तैयार हो चुके हैं, 2-3 दिन में
5 तारीख तक उनको सभी को मकान चाबी दे दी जाएगी। वाकई सराहनीय, आप यहाँ पर काम कर रहे हैं। मूल दस्तावेज की हम बात करें, कई डॉक्यूमेंट्स थे इन पाक विस्थापित लोगों के जो कि पूरे तरीके से जलकर राख हो गए हैं, अब आगे उनको किसी तरीके की दिक्कत ना हो, क्या इसे लेकर भी कोई इंतजाम यहाँ पर किया जाएगा, प्रशासन से गुहार लगाई जाएगी? जो भी डॉक्यूमेंट्स वो जल गए थे वो डॉक्यूमेंट्स वही कैंप लगा के बनवा दिए गए हैं जी, और आगे से आग ना लगे, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, इसकी भी पंचायतों में समुचित व्यवस्था करेंगे। तो जिस तरीके से आप घरों का निर्माण भी यहाँ पर कर रहे हैं और चाबी जो है उनको आप सौंपने की बात भी कर रहे हैं, आगे इस तरीके की घटनाएं ना हो, फिलहाल अभी प्रशासन जो है कारण जान नहीं पाया है, लेकिन वजह अगर समझी जाए तो क्या हो सकती है, आगे इस तरीके के मामले जो है वो सामने ना आए, क्योंकि बड़ा ही खौफनाक ये मंजर देखने को मिला था 23 अप्रैल को, इसके लिए इसीलिए क्या कुछ मतलब जो है ध्यान में रखा जा रहा है, क्या कुछ इंतजाम इसे लेकर किए जा रहे हैं जयवीर सिंह जी? अभी वैसे तो आग लगने के कारण का पूरा पता नहीं चला है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि कोई ये फायर ब्रिगेड वहां पहुंच नहीं सकती, बहुत दूर दूरस्थ जगह कच्ची है, गाड़ियां वहां पहुंच नहीं सकती, इसलिए वहां पे कोई ऐसा ही कोई फायर इक्विपमेंट कोई पंचायतों को उपलब्ध करवाया जाए जन सहयोग से, उसके लिए भी बातचीत कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर सिंह जी फर्स्ट इंडिया से बातचीत करने के लिए, और वाकई जो आप लोग काम वहां पर कर रहे हैं मिलकर, आम लोग जो हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, फाउंडेशन हैं, कई बैंक भी यहां पर जुड़ गए हैं, एक अनूठी मिसाल यहां पर प्रदेशवासियों के लिए बन गई है, एक साथ हाथ उठे और एक साथ वो विशाल बन गए, उन पीड़ितों की मदद के लिए आए जो कि पाक विस्थापित यहां पर लोग रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयवीर सिंह जी का, और हमारे साथ हमारे संवाददाता विक्रम भी जुड़े हुए थे। विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो कई लोगों ने इन पीड़ितों की जिंदगी बदल दी, एक अनूठी मिसाल यहां पर पेश की है, और उम्मीद करते हैं कि इन लोगों का जो जीवन है वो अब धीरे धीरे फिर से पटरी पर आएगा, धीरे धीरे फिर से सुधरने लगेगा। फिलहाल खास प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया। नमस्कार।